नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। लखनऊ में मंगलवार को नौवे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 218 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगने के सवाल पर उन्होंने कहा, मैं अचंभित हूँ कि कांग्रेस के गांधी खानदान द्वारा संचालित अस्पताल में एक महिला की मौत होती है। अस्पताल की व्यवस्था की वजह से उस मृत महिला के परिवार को सहारा देने की बजाय जिन लोगों ने मरीज को मौत के घाट उतारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय कांग्रेस उनका मुनाफा बंद हो रहा है, इस पर रो रही है। क्या अमेठी के एक साधारण जान की कीमत कुछ नहीं? स्मृति ईरानी ने कहा, पीएम मोदी ने महिला आरक्षण के बारे में बताया था, यह बिल काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग था। अब महिला चाहे किसी भी समुदाय से हो, वह राष्ट्र को नेतृत्व कर सकती है। नए सांसद महिला आरक्षण बिल होना देश की बड़ी उपलब्धि है। हमारे संस्कार है कि कभी महिला और पुरुष के बीच अंतर नहीं किया गया। राष्ट्र शिव और शक्ति की आराधना बराबर करता है। इस शक्ति को नमन करते राष्ट्र की 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। गणपति जी की मां ने अपने शरीर की माटी से उनका सृजन किया था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।